सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक एस फॉर योर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज वो दिन आ गया है कि आज अपन अपना साइकिल का जो पेंट है उसको रिमूव करने वाले हैं। तो गाइस, बुरा लग रहा है बहुत, क्योंकि बहुत मेहनत से ये पेंट किया था मैंने अपनी साइकिल में। तो ये रहा गाइस अपने पास पेंट रिमूवर। तो चलिए इसको खोलते हैं और अपनी साइकिल को पेंट हटाते हैं। अपनी साइकिल में से सारा ब्लू कलर का पेंट हट जाएगा अपनी साइकिल से आज। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये अपना पेंट रिमूवर है। तो गाइस, इसको बहुत सेफ्टी से आप यूज करें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत भी लग गया तो आपके हाथों में बहुत जलन होगी। इसको यहाँ से अपन खोल लेते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक गाइस इसमें, यहाँ से ऊपर से एक छेद कर लीजिए। तो गाइस, ये अपना देख सकते हैं आप लोग, ये खुल चुका है। तो आप किसी भी तरीके का कंटेनर ले जाइए प्लास्टिक छोड़ के। तो यहाँ पे अपन इसको डालेंगे थोड़ा सा। बस गाइस, इतना अपन छोड़ देंगे और इसका कैप वापस लगा के, ये अपने पास ब्रश है गाइस, तो इस पर अपन अपनी साइकिल में लगाना चालू करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं डायरेक्ट इसको अब सप्लाई कर दूंगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से पेंट निकलना चालू हो गया है अपना और यहाँ से ही निकलेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ नुकीली चीज़ से लेके इसको घिसना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा पेंट बाहर निकल जाएगा और जहाँ जहाँ से गाइस नहीं निकला है वहाँ वहाँ आप फिर से कर दीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से निकलना चालू हो गया पेंट। तो इसको थोड़ा 10-15 मिनट का समय दीजिए तो अपने आप सूखने लगेगा। और ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टिकर भी निकलने लगा है। तो इसने स्टिकर तक को गला दिया गाइस, देख सकते हैं आप लोग। तो जहाँ जहाँ गाइस नहीं हुआ है वहाँ पे आप लोग एक बार और अच्छे से करिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कर दिया है। तो इसको मैं एक बार और कोट करूँगा, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका कलर निकल गया है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे इसका जो रबिंग है वो कर दिया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पूरा पेंट रिमूव कर दिया है। तो गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वेल्डिंग करवा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करवा रहा हूँ और ये वाला पार्ट हटवा रहा हूँ। तो जल्दी से ये भी कर लेते हैं एंड इसकी घिसाई चालू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी पूरी वेल्डिंग अच्छे से हो चुकी है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्मूथ भी करवा लिया है और यहाँ पे भी अपनी परफेक्ट वेल्डिंग हो चुकी है और यहाँ पे ये अच्छे से लग रहा है। अगर आप गाइस आप भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वेल्डिंग वगैरह करवा लीजिए ताकि बाद में निशान ना आए। तो अब गाइस अपना काम ये है कि अपन को ये सैंड पेपर से इसको पूरी अच्छी तरीके से रब करना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए ये काम भी शुरू करते हैं गाइस, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं गाइस, ये सबको हटाना पड़ेगा। इसको जल्दी से रब करते हैं गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने हर जगह से इसका पेंट निकाल दिया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हर जगह से इसका पेंट निकल चुका है। तो कुछ इस टाइप से अपनी साइकिल दिख रही है यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसका काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे इसका पेंट अच्छे से निकल चुका है। तो गाइज यही था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसका होने वाला है बेस कोट एंड प्राइमर। तो प्राइमर और बेस कोट अपन कर देंगे। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये कलर नहीं है, ये प्राइमर करा हुआ है मैंने, तो यहाँ का प्राइमर सूख रहा है और पूरी फ्रेम को भी मैं प्राइमर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।